और चलिए अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत वापस लाने के प्रयासों में बाधा आती दिख रही है, क्योंकि अमेरिकी अदालत ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। जो बाइडेन के प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए एक अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का फिलहाल आदेश दिया है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनको ये सब जितना जल्दी हो सके उस चीज़ के ऊपर काम करके उनको वापस लाना चाहिए। और जो भी कोलेट्रल डैमेजेस हमें हुए थे, जो हमने लॉसेस हमारे हुए हैं, हमारी पुलिस फोर्स के हुए थे, हमारे जनरल सिटीजन्स के हुए थे, वो सभी सिटीजन्स को एक प्रॉपर तरीके से न्याय मिले, जस्टिस मिले और उन सभी लोगों को यहाँ पे वापस ला के उनको प्रॉपरली ट्रायल करके उनको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सके वो देनी चाहिए। हाँ, वापस लेके आना चाहिए और जो भी हमारे यहाँ इंडिया में हर तरीके से उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी जो हमारे कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। आई सी इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया टू गेट देम बैक इनटू द कंट्री। इट विल हेल्प द पीपल टू गेट जस्टिस विद रिगार्ड्स टू द टेररिस्ट अटैक दैट हैज हैपेंड। India has to wait a little longer on the 26/11 Mumbai terror attack case accused Tahawur Rana's extradition, as US court has ordered a stay on the extradition of Rana to India. Remember, Rana is currently in US and he's facing a trial for his alleged involvement in 2008 Mumbai terror attack case. Rana in fact had filed before the 9th Circuit Court against the order by a US district court in the Central District of California that denied the writ of his habeas corpus. While talking about Rana is facing the charges in his alleged involvement of 2008 terror attack case and being an associate with Pakistani origin American terrorist David Coleman Headley, the mastermind of 26/11 attack.